गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट है बॉटनी। और इसमें वैसे तो तीन पेपर हैं, फर्स्ट पेपर है टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, और इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। दूसरा पेपर जो आता है इसके अंदर सेकंड पेपर, वो आता है इसमें एनाटोमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। और थर्ड पेपर जो है वो है इसके अंदर साइटोजेनेटिक्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पेपर में टैक्सोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, इसे हम कह सकते हैं। और दूसरा जो है एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक टू टॉपिक हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें इसके बारे में जो फंडामेंटल है, जो आधारभूत जानकारियां हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी की, वो हमें पता होना आवश्यक है। और साथ ही साथ इसके कुछ थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक जो जानकारियां हैं वो ज़रूरी होती है किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जिससे कि आगे फ्लुएंस बना रहे। तो हम यहाँ लेकर के चलेंगे फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी, पहले हम इस शब्द, इस वर्ड का विश्लेषण करेंगे। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सोन और प्लस टैक्सोनॉमी यानी नॉमस। इसके अंदर टैक्सोन को हम कहते हैं वर्गक, और इसको हम कहते हैं नॉमस यानी पहचान, यानी वर्गकों की पहचान, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वर्गीकरण, या इसे हम वर्गी की भी कह सकते हैं। वैसे इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, और इसके इतिहास की जो शुरुआत है वो एरिस्टो यानी अरस्तु के काल से शुरू हो जाता है। अरस्तु ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गी की या वर्गीकरण के बारे में बताया था, और एक सिद्धांत भी दिया था। वो सिद्धांत तो इसका जो है वो तो है फिजियोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन इस सिद्धांत के साथ साथ ही अरस्तु ने पादपों को तीन भागों में या तीन वर्गों में डिवाइड किया था। तो इसने जो तीन वर्ग बनाए थे वो इसने प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पर तीन वर्ग बनाए थे, जिसमें पहला जो इसने वर्ग बनाया था वो था हर्ब, दूसरा था शर्ब और तीसरा था ट्री। यानी सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो अरस्तु ने पादपों को तीन वर्गों में डिवाइड किया था। पहला शाकीय पादप, दूसरे हैं झाड़ी या जिसे हम छुप पादप कहते हैं, और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं वृक्ष पादप। तो सबसे पहले वर्गीकरण का वैसे तो श्रेय दिया जाता है अरस्तु को, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वर्गीकी का जो पिता है वो हम कहते हैं कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस, इसका जो पूरा नाम था वो कार्ल वॉन लिन था, और ये लगभग 1700 से लेकर के और 1800 इस सदी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक था वनस्पति शास्त्र का, जिसने कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं और बहुत सारी पुस्तकें इसने लिखी थी। इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन कुछ और बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि वर्गीकरण में और क्या क्या जानकारियां हमें जरूरी है पता होना चाहिए। देखिए टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये दिया था ए पी डी कैंडोले ने, ये दिया था इसने 1813 में। इसने एक पुस्तक लिखी थी थ्योरी थ्योरी एलिमेंटियर डी ला बोटेनिक। इसने इस पुस्तक के अंदर इस टैक्सोनॉमी वर्ड को दिया था। टैक्सोनॉमी जो शब्द है उसको देने का श्रेय किसको जाता है, ए पी डी कैंडोले को।
इसको अगर इंग्लिश इसका नाम देखें किताब का, तो इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्री बॉटनी, यानी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इस पुस्तक का विमोचन हुआ था 1813 में, और इसी पुस्तक में एपीडी कैंडोले ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। हम इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे, और उसके बाद इसके साथ साथ ही एक और शब्द जो है वर्गीकरण के लिए आगे, सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक जो शब्द है ये और प्रकाशन में आया, इसको भी हम कहते हैं वर्गीकरण। लेकिन दोनों शब्दों में और इनके दोनों के अर्थों में थोड़ा सा अंतर है। वैसे जो आधुनिक समय के वैज्ञानिक हैं ये इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ लगाते हैं, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में थोड़ा सा परिभाषा के तौर पर कुछ अंतर है, वो अंतर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर हम टैक्सोनॉमी की परिभाषा की बात करें तो वनस्पति शास्त्र की वह शाखा या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, इसे तो हम कहते हैं टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। दोबारा से सुनिए, टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या होगी? टैक्सोनॉमी की परिभाषा होगी कि वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें पादपों की पहचान, उनका नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। और ये परिभाषा दी थी G.H.M. लॉरेंस ने, इसने ये परिभाषा दी थी। आपको याद रखना है परिभाषा किसने दी थी? G.H.M. लॉरेंस ने। और पादपों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक शब्द की। सिस्टमैटिक शब्द जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये शब्द किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कब दिया था? 1735 में दिया था। और कौन सी पुस्तक में दिया था? तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इस पुस्तक के अंदर इसने सिस्टमैटिक शब्द दिया था। अब हम इसके अर्थ की बात कर लेते हैं, इसकी परिभाषा या इसका मीन क्या है। सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी वैसे तो समानार्थी शब्द हैं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? हम ये कह सकते हैं, या कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं, कि जो टैक्सोनॉमी है ये सिस्टमैटिक का एक भाग मात्र है। यानी व्यापक रूप से अगर हम देखें तो वर्गीकी जो व्यापक शब्द है वर्गीकी के लिए वो है सिस्टमैटिक, और टैक्सोनॉमी क्या है? केवल इसका एक भाग है। क्योंकि सिस्टमैटिक में अगर हम देखें तो पहचान, नामकरण और वर्गीकरण इनका अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी में, और सिस्टमैटिक में देखेंगे तो इन तीनों के साथ साथ इंटर रिलेशनशिप और डाइवर्सिटीज, यानी कि पादपों में आपस में अंतर संबंध और साथ ही साथ डाइवर्सिटी यानी विविधताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो दोनों शब्द, दोनों के मीन या दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हो गई हैं। टैक्सोनॉमी यानी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन, जबकि सिस्टमैटिक पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और उसके साथ साथ पादपों में आपस में अंतर संबंध और डाइवर्सिटी यानी विविधताएँ, उनका भी अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। तो अगर हम देखें सिस्टमैटिक के अंदर ही क्या है? टैक्सोनॉमी है। तो व्यापक रूप से सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, और वैसे इन दोनों का अर्थ एक ही है। परिभाषा आपको यही याद रखनी है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। और सिस्टमैटिक की परिभाषा अगर आपसे पूछ ले तो टैक्सोनॉमी ऐसे मत बताना, ऐसे नहीं बताना है कि टैक्सोनॉमी इसका एक भाग है। आपको इसको व्यापक रूप से बताना है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के साथ ही पादपों में इंटर रिलेशनशिप यानी कि अंतर संबंधों और डाइवर्सिटी यानी कि विविधताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों अपने हो गए। इसके बाद हम थोड़े से इतिहास की ओर चलेंगे, ये वैसे इतिहास ही है, थोड़ा सा और इसको हम देखेंगे इसमें और नई जानकारियाँ क्या है, वर्गीकरण हम कैसे करते हैं और कौन कौन सी तरह के वर्गीकरण हैं। पुराने समय में क्या होता था कि पादपों में
ये लोगों में ये भ्रांतियाँ थी कि पौधों की आकृतियाँ जो हम मनुष्य हैं उनसे मिलती जुलती रहती हैं, तो पौधों को उनकी आकृति के आधार पर नामांकित किया जाता था, उनको नाम दिया जाता था और ये कयास लगाए जाते थे कि इस पौधे से मनुष्य के इस रोग का इलाज होता है। जैसे आपने सुना होगा लीवर वर्ट यानी ये कहते हैं मार्केंसिया को, ये एक ब्रायोफाइट है। तो इस पादप का नाम जो है वो लीवर वर्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पादप की जो आकृति है वो कैसी होती है, यकृत की तरह होती है, इसलिए इसको लीवर वर्ट कहते हैं। इसी के अंदर जैसे रिक्सिया है, ये जो प्लांट है वो भी इसी में आता है। तो ये तो भ्रांतियाँ थी, सिर्फ लोग अपनी भ्रांतियों रीति रिवाजों के अनुसार कुछ नाम रख देते थे। बाद में आवश्यकता ये महसूस हुई कि किसी पादप का जब हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ जुटाते हैं, उनकी जानकारी हम लेते हैं, तो हमें उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए, एक प्रारूपिक नाम, और उसके साथ साथ ही पौधों के बारे में, उनकी विविधताओं के बारे उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हमें टैक्सोनॉमी की आवश्यकता महसूस हुई। तो वर्गीकी वैसे तो हम देखें तो तीन प्रकार से मानी जाती है सामान्य तौर पर। एक तो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है इसके अंदर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और तीसरा आता है इसमें फाइलोजेनी। अब तीनों में अंतर क्या है? पुराने समय में जितने भी क्लासिफिकेशन या वर्गीकी के अंतर्गत जो वर्गीकरण दिए गए हैं वो आते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत। आर्टिफिशियल वर्गीकरण में जो मध्य का काल है, जो डार्विन के बाद का काल है, उसके अंदर आर्टिफिशियल वर्गीकरण आता है, जिसके अंदर हम उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण। और तीसरा है फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन, जो आधुनिक समय में जो वर्गीकरण दिए जाते हैं, जैसे कि ओस्टवाल टिप्पो है, तख्ताजान है, थोर्न का वर्गीकरण है, एंग्लर प्रिंटल का वर्गीकरण है, ये सारे किसमें आते हैं, जाति वर्तीय क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो वर्गीकरण का अगर पीरियड देखें हम इनके अध्ययन के लिए, तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्री डार्विनिज्म या डार्विनियन, प्री डार्विनियन, और दूसरा काल है इसका पोस्ट डार्विनियन। यानी डार्विन के पहले का काल और उसके बाद डार्विन के बाद का काल। तो प्री डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन, ये दो इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो इसमें बताए गए हैं। अब प्री डार्विनियन क्या है? प्री डार्विन है डार्विन से पहले का काल। तो डार्विन से पहले जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे वो जैसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन है, ये इसी के अंदर आता है। उसके बाद जो पोस्ट डार्विनियन काल है वो आता है आर्टिफिशियल और फाइलोजेनी। इन तीनों को हम तीन पीरियड में वैसे बांट सकते हैं, फर्स्ट यानी फर्स्ट एरा, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो फर्स्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन, सेकंड में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि जो पौधे हैं या पादप जो हैं उनको वर्गीकृत जब हम करते थे तो उनकी आकार की के बारे में पता होना चाहिए, आकार की के बारे में ध्यान रखा जाता था कि पौधे की आकार की क्या है, पौधा शाख है या वृक्ष है या झाड़ी है। जैसा कि मैंने बताया कि अरस्तु ने तीन भागों में पौधों को डिवाइड किया था, शाख, शर्ब, हर्ब और उसके बाद ट्री। इसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस ने पादप के जो लैंगिक अंग है, जैसे कि पुंकेसर, पुंकेसरों की संख्या और अंडपों और पुंकेसरों के लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो उसको हम कह सकते हैं कृत्रिम वर्गीकरण, जो कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक में बताया था। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है स्टोरिया प्लांटेरम, उसके अंदर इसने इस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। और उसके बाद फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन। अब ये फाइलोजेनी क्या है? इसको हम कहते हैं जाति वर्तीय। जाति वर्तीय का मतलब होता है कोई पादप किस वक्त और कब और किस तरह से उत्पन्न हुआ, किस तरह से अपने पूर्वजों से उत्पन्न हुआ,
वो सारा जाति वर्त कहलाता है। यानी प्रारंभिक काल से लेकर और वर्तमान समय तक किस तरह से जाति वृत्ति है वर्गीकरण होता है। देखिए एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमने जाना कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुए, थेलोफाइट, ठीक है, थेलोफाइट। और उसके बाद थेलोफाइट में ही देखें हम तो ब्रायोफाइट सबसे पहले उत्पन्न हुए, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइट, और उसके बाद अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये आ जाता है एंजियोस्पर्म। तो पादपों में जो विकास है वो कैसे हुआ, सरलता से जटिल, नहीं सॉरी, सरल से जटिल, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो जाति वृत्ति या वर्गीकरण जो प्रस्तुत किए गए थे उसके अंदर इन दोनों यानी कि आकार की और साथ ही साथ जो पुष्पीय लक्षण थे जिसमें हम लैंगिक लक्षणों के बारे में हमने बात की वो, और उसके साथ साथ फाइलोजेनी यानी जाति वर्तीय इतिहास, इन तीनों का समावेश किस में था, जाति वर्तीय वर्गीकरण में था। अब जाति वर्तीय वर्गीकरण के सारे लगभग जितने भी उदाहरण हैं वर्तमान समय में, जैसे हम ओस्टवाल टिप्पों का देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन जो हम देखते हैं वो है ओस्टवाल टिप्पों का, जाति वर्तीय वर्गीकरण उसी को ही हम कहते हैं। इसके अलावा तख्ताजान है, इसके अलावा हचिसन का वर्गीकरण है, थोन का वर्गीकरण है, और इसके अलावा साथ ही साथ हम बता सकते हैं एंग्लर और प्रिंटल का वर्गीकरण। तो ये पांच उदाहरण आपके सामने हैं। जाति वर्तीय वर्गीकरण में अगर आपसे उदाहरण पूछे जाएं तो आप इन पांचों में से कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। पहला ओस्टवाल टिप्पो, दूसरा तख्ताजान, तीसरा है थोन का वर्गीकरण, चौथा है हचिसन का वर्गीकरण, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है एंग्लर और प्रिंटल का वर्गीकरण। जो आर्टिफिशियल है इसके अंदर आप बता सकते हैं बेंथम और हुकर, बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण, कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण, ये इसके अंदर आते हैं। और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम बता सकते हैं अरस्तु का वर्गीकरण और थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण। अब थियोफ्रेस्टस के बारे में हमें कुछ मौलिक बातें पता होनी चाहिए। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है, इसे हम फादर ऑफ एंशियंट बॉटनी भी कहते हैं, यानी प्राचीन वनस्पति शास्त्र का ये पिता कहलाता है, इसे हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। थियोफ्रेस्टस ने दो पुस्तकें लिखी थी, एक तो थी इटियोलॉजी ऑफ प्लांट और दूसरी किताब थी एंड इंक्वायरी इंटू द प्लांट। ये दो किताबें इसने लिखी थी और इन दोनों बुक्स का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है आपको इन दोनों किताबों के नाम, थियोफ्रेस्टस। इसने एक किताब और भी लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसमें इसने 480 पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 480 पादपों का वर्गीकरण थियोफ्रेस्टस ने किसमें बताया था, स्टोरिया प्लांटेरम में। और इन दोनों इटियोलॉजी ऑफ प्लांट और एन इंक्वायरी इनटू द प्लांट, इन दोनों किताबों में भी थियोफ्रेस्टस ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो प्रकृति यानी पौधों की प्रकृति के आधार पर दिया गया वर्गीकरण इसके अंदर बताया था। थियोफ्रेस्टस ने जो पौधे थे उनको चार भागों में डिवाइड किया, कौन कौन से, पहला आता है हर्ब, दूसरा आता है अंडर शर्ब, तीसरा आता है शर्ब, और चौथा आता है इसमें ट्री। हर्ब यानी शाकीय पादप, अंडर शर्ब यानी छोटे छुप यानी छोटी झाड़ी नुमा पादप, तीसरे आते हैं झाड़ी नुमा पादप, और चौथे आते हैं इसमें ट्री। अब एग्जांपल देखें, जैसे हर्ब में हम एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे गेहूं है ये हर्ब है, जैसे चना है ये भी हर्ब है, तो ये सारे हर्ब पादप हैं। शाकीय जैसे छोटे पादप जो होते हैं, अधिकतर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वो कैसे होते हैं, हर्ब ही होते हैं। अंडर शर्ब छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जैसे हम मेहंदी का एक इसमें उदाहरण दे सकते हैं, मेहंदी जो होती है वो छोटी झाड़ी होती है। शर्ब जो हैं जैसे जिंजीपस होता है जिसे हम बेर कहते हैं, बेर की झाड़ी जो है वो शर्ब में आती है। इसी तरह से अंजीर जो है वो भी शर्ब में आता है, अंजीर
कुछ अंजीर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जो वैरायटी जो जाति के हिसाब से हैं उसके हिसाब से कुछ शामिल किए गए हैं वृक्षों में भी। और इसके बाद ट्री आते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम है, इसके अलावा जो बरगद है, इसके अलावा इसमें और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो पेड़ हैं वो सारे कैसे होते हैं ट्री। तो इस तरह से चार जो कैटेगरी इसने बनाई थी थियोफ्रेस्टस ने, ये प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण में प्रकृति के आधार पर, यानी पौधे को देख करके हम बता सकते हैं कि पौधा कैसा है, छोटा नवोद्भिद या छोटा शाकीय पादप है, या फिर वो झाड़ीनुमा है, या फिर वो बड़ी झाड़ी है, या फिर वो वृक्ष है, यानी बाहर से उसकी आकार की को देख करके हमने ये चार कैटेगरीज में देखी है। इसके बाद आता है ये थियोफ्रेस्टस का जो काल था उसको मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो फर्स्ट पीरियड है डार्विन से पहले का जो काल है उसको हम बता सकते हैं। डार्विन के बाद का भी काल अगर हम देखें तो फाइलोजेनी में आता है, लेकिन हम पहले के बारे में पढ़ रहे हैं तो थियोफ्रेस्टस के बारे में हमने जाना। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मिडिल एज है, मिडिल एज में भी कुछ वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने क्या किया, पादपों का वर्गीकरण दिया था। एकादि नाम है, जैसे अल्बर्ट मेगनसन है, इसका नाम है अल्बर्ट मेगनसन, ये वैज्ञानिक बस फेमस था। ये हम काल बता सकते हैं लगभग तीसरी शताब्दी से लेकर कब तक, 15वीं शताब्दी तक। ये जो टाइम पीरियड था ये मिडिल एज, या इसे हम डार्क एज भी कहते हैं, द डार्क एज या द मिडिल एज। इस काल में वर्गीकरण के बारे में ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी, कोई नई खोज भी नहीं हो पाई, इसीलिए हम इसको कहते हैं डार्क एज। इसमें बस एक ये फेमस है नाम अल्बर्ट मेगनस, इसने कुछ पादपों के बारे में कुछ जनरल सी जानकारी, सामान्य जानकारियाँ अपने क्लासिफिकेशन में दी थी। इसके बाद आता है इसमें हर्बल एज, या हर्बल यानी औषध युग या औषधि का युग, ये आता है मिडिल एज के बाद का समय, यानी 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का जो काल था उसको हम हर्बल एज कहते हैं, यानी औषध काल। इस औषध काल में जो एक वैज्ञानिक था विलियम टर्नर, इस वैज्ञानिक ने कुछ पौधों के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई थी और ये बताया था कि इन पौधों से कुछ मेडिसिन यानी कि औषधियां बनाई जा सकती हैं जिससे कुछ रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। इसलिए इस काल को हम कहते हैं हर्बल एज यानी औषध काल, हर्बल हर्बल हर्बलिस्ट ये इसी काल के अंदर हुए थे। इसके बाद आता है इसमें अगला जो पीरियड है, यानी ये तो था पहला कौन सा था, थियोफ्रेस्टस वाला, दूसरा था इसमें मिडिल एज और तीसरा था इसमें औषध काल। अब बात करते हैं हम चौथे काल की। चौथा काल तीसरे काल से लगभग मिलता जुलता ही है क्योंकि इस काल में भी कुछ खास प्रगति नहीं हुई थी, छोटा सा पीरियड था ये। और इसके अंदर हम एक सिद्धांत के बारे में देखते हैं जिसे हम हस्ताक्षरों का सिद्धांत कहते हैं और जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लोगों के बीच ये भ्रांतियाँ थी, मान्यताएँ थी कि लोग ये समझते थे कि इस पादप की आकृति मनुष्य के इस अंग से मिलती है तो इस पादप से मनुष्य के इस अंग का इलाज किया जा सकता है, जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है, सिलेजिनेला है, इस तरह के जो पौधे हैं उनके नामकरण सिर्फ इसी आधार पर किए गए, सिर्फ अनुमान के आधार पर किए गए। तो इसको हम कहते हैं हस्ताक्षरों का सिद्धांत, यानी उनकी मान्यता थी कि कुछ पादप वास्तव में क्या होते हैं कि जो इनके जो अंग होते हैं पादपों के वो मनुष्य के अंगों से मिलते जुलते होते हैं यानी कॉपी होते हैं, इसलिए इसको हस्ताक्षरों का सिद्धांत कहा गया। इसके बाद ये तो हो गया प्री डार्विनियन काल। अब पोस्ट डार्विनियन काल की बात करें तो इसके अंदर हम एक बीच में एक छोटा सा जो टाइम पीरियड है जिसे हम बेंथम, हुकर और डाल्टन, इसका जो वर्गीकरण हम पढ़ते हैं वो एक बीच का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर हम बताते हैं बेंथम हुकर का वर्गीकरण, और उसके बाद के जितने भी वर्गीकरण हैं वो आते हैं फाइलोजेनी यानी जाति वर्तीय वर्गीकरण में आते हैं। बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, बेंथम हुकर ने क्लासिफिकेशन किस बारे में दिया था, बेंथम हुकर ने भी प्राकृतिक
जो गुण थे या प्राकृतिक जो लक्षण थे पौधों के, उनके साथ साथ उनके अंतर संबंधों को भी बताया था। तो वैसे अगर हम बॉटनी में देखें तो आगे जैसे आप पढ़ोगे हर्बेरियम के बारे में, जो पौधशाला हैं उनके बारे में पढ़ोगे, फ्लोरा के बारे में पढ़ोगे, आप मोनोग्राफ के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको जितनी भी व्यवस्था है पौधों के वर्गीकरण की अपने हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो वो हम पढ़ते हैं बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हर्बेरियम में सीटों को जमाया जाता है और यही व्यवस्था ब्रिटेन में भी काम ली जाती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे वाइवा में जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि बताओ अपने हिंदुस्तान इंडिया में कौन सी वर्गीकरण पद्धति उपयोग में लाई जाती है, तो आपको यही बताना है बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। वैसे अगर यूरोपीय देशों की बात करें और जो कंट्री हैं जैसे कि जर्मनी है, जैसे कि फ्रांस है, और इधर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या रूस और इधर की बात करें, तो इन सब जगह पर एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन काम लिया जाता है। आगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। अब परिभाषा तो हमने जान ली, लेकिन हमें इस परिभाषा को थोड़ा सा व्यापक रूप भी देना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहचान की। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। किसी भी पादप को देख करके हमें उसे पहचानना होता है कि ये पादप कौन सा है, यानी आइडेंटिफाई करना होता है। जो अज्ञात पादप है, कोई जैसे हमारे सामने कोई पादप आ गया, तो हम उसको देख करके ये बता सकते हैं कि ये ऐसा पादप, क्योंकि हमें उनके अंदर कुछ लक्षणों को पता लगाना होता है और उन लक्षणों के आधार पर हम दो दूसरे पौधे हैं उनके साथ उनकी तुलना करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी पौधे की पहचान कर सकते हैं। पहचान जैसे मान लो कोई भी पादप है जो आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने उसे कभी पहले देखा ही नहीं है, लेकिन उसी से मिलता जुलता आपने कोई दूसरा पादप देखा है, तो दोनों पादपों के लक्षणों की आप तुलना कर सकते हैं, जिससे कि आपको उस पादप की पहचान हो जाएगी। उसके बाद नामकरण। किसी भी पादप की पहचान के बाद उसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम जो है वो ICBN यानी इंटरनेशनल जो नामकरण है वो ICBN के आधार पर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। ICBN एक मान्यता प्राप्त संस्था है जो किसी भी पौधे का एक नाम सुझाती है, उस नाम को वेरीफाई करती है, और वही पूरे विश्व में नाम काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें वर्गीकरण की। पहचान और नामकरण होने के बाद हम उसका वर्गीकरण करते हैं। पहचान और नामकरण के बाद हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो हम देखते हैं कि परिभाषा में पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, और सिस्टमैटिक जो था उसके अंदर हमने ये भी जाना था कि सिस्टमैटिक में पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के साथ साथ ही पौधों के अंतर संबंधों और उनकी जो आपस में रिलेशन है उसके साथ साथ विविधताओं का भी अध्ययन किया जाता है। थैंक यू। बाकी कल पढ़ेंगे।